Avanti is launching new video series. Tune in every Monday for JE problem solving and every Saturday for a class 10 video. We will also be releasing exciting science videos. So subscribe now so that you never miss an update from us. KVPY या फिर किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना एक नेशनल लेवल फेलोशिप प्रोग्राम है जो कि हर साल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बैंगलोर कंडक्ट करता है और इसका एम है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एनकरेज करना ताकि वो बेसिक साइंसेज के एरिया में रिसर्च करें। इस प्रोग्राम का एम है टू फाइंड आउट टैलेंटेड स्टूडेंट्स जो कि रिसर्च एरिया में जाना चाहते हैं एंड हेल्प देम रियलाइज देयर ट्रू एकेडमिक पोटेंशियल। KVPY फेलोज को मंथली स्टाइपेंड्स एंड एनुअल ग्रांट भी मिलते हैं अप टिल प्री PhD लेवल। बैचलर्स के स्टूडेंट्स को अ मंथली स्टाइपेंड ऑफ ₹5,000 एंड एन एनुअल ग्रांट ऑफ ₹20,000 अवार्ड किया जाता है। ऑन द अदर हैंड मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए मंथली स्टाइपेंड वैल्यू इज ₹7,000 एंड द एनुअल ग्रांट वैल्यू इज ₹28,000। KVPY फेलोज को हमारे कंट्री के टॉप इंस्टीट्यूट्स लाइक IISc एंड ISS में डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस एग्जाम का बेनिफिट ये भी है कि इसका पैटर्न JEE, NEET और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से काफ़ी सिमिलर है, तो बच्चे अगर तो KVPY के लिए बैठते हैं तो उनकी बाकी एग्जाम्स की भी तैयारी हो जाती है। इसीलिए हम लोग सजेस्ट करेंगे कि बच्चे इस एग्जाम को क्लास 11th एंड 12th दोनों में दें टू मैक्सिमाइज देयर चांसेस। KVPY एग्जाम की 3 स्ट्रीम्स होती हैं और अलग अलग ग्रेड में पढ़ने वाले बच्चे इन अलग अलग स्ट्रीम्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लास 11th में पढ़ने वाले बच्चे SA स्ट्रीम के लिए बैठे, क्लास 12th में पढ़ने वाले बच्चे SX स्ट्रीम के लिए बैठे और जो बच्चे ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में साइंस पढ़ रहे हैं वो SB स्ट्रीम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट यू शुड बी एन इंडियन नेशनल। इसके अलावा स्ट्रीम SA में बैठने के लिए आपके पास एटलीस्ट 75% मार्क्स होने चाहिए इन एग्रीगेट इन मैथमेटिक्स एंड साइंस इन योर 10th बोर्ड्स। स्ट्रीम SX में बैठने के लिए यू शुड हैव मिनिमम ऑफ 75% एग्रीगेट इन साइंस एंड मैथ्स इन योर 10th बोर्ड्स एंड 60% मार्क्स मिनिमम इन एग्रीगेट इन मैथ्स एंड साइंस इन योर क्लास 12th बोर्ड्स। इसके अलावा अगर तो आप स्ट्रीम SB में बैठ रहे हैं तो भी कंडीशन है कि आपके पास 12th बोर्ड्स में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए इन साइंस सब्जेक्ट्स एंड आपके ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के एग्जाम में भी 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। KVPY एग्जाम हर साल नवंबर में कंडक्ट किया जाता है और इसका एडवर्टाइजमेंट जुलाई के 2nd संडे को सभी नेशनल न्यूज़पेपर्स में रिलीज किया जाता है। आप लोग इस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं ऑन द KVPY वेबसाइट। KVPY का एग्जाम 2 स्टेजेस में कंडक्ट किया जाता है, पहले एक एप्टीट्यूड टेस्ट और उसके बाद एक इंटरव्यू। एप्टीट्यूड टेस्ट एक ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जाम में होता है एंड इसकी ड्यूरेशन इज 3 आवर्स। इसके अलावा ये एग्जाम हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाता है। इसमें सभी क्वेश्चंस MCQ टाइप होते हैं एंड द टोटल मार्क्स क्वेश्चंस आर 100। ये जो पेपर है इसमें 2 पार्ट्स होते हैं और दोनों ही पार्ट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी 4 सेक्शन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर तो आप SA स्ट्रीम के लिए बैठ रहे हैं तो आपको इन चारों सेक्शंस को अटेम्प्ट करना होगा। हाउएवर अगर तो आप SB या फिर SX स्ट्रीम के लिए बैठ रहे हैं तो आपको पार्ट 1 में से कोई भी 3 सेक्शन एंड पार्ट 2 में से कोई भी 2 सेक्शंस अटेम्प्ट करने होंगे। इस एग्जाम की मार्किंग्स की अभी आप लोग देख सकते हैं। KVPY एग्जाम के लिए कोई भी सिलेबस प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। हाउएवर SA स्ट्रीम के लिए आपको आपके 10th तक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, SX स्ट्रीम के लिए 12th तक के एंड SB स्ट्रीम के लिए फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन तक के कॉन्सेप्ट्स टेस्ट किए जाएंगे। आपके प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए हमने हमारे ऐप पर डिटेल्ड वीडियोज ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स अपलोड किया हुआ है। नॉट ओनली दिस, वी ऑल्सो हैव प्रैक्टिस पेपर्स, सैम्पल पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ KVPY फॉर योर प्रिपरेशन। आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। KVPY के एप्टीट्यूड टेस्ट का रिजल्ट दिसंबर के 3rd वीक में निकलता है। जो कैंडिडेट्स इस एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं उनको 2nd स्टेज मतलब इंटरव्यू में बैठने का चांस मिलता है। इंटरव्यूज फॉर KVPY यूजुअली जनवरी और फरवरी के मंथ में कंडक्ट किए जाते हैं। इंटरव्यूज कंडक्ट हो जाने के बाद एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाती है जिसमें आपके एप्टीट्यूड टेस्ट और आपके इंटरव्यू दोनों का ही स्कोर काउंट होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट का 75% एंड इंटरव्यू का 25% स्कोर मिलाया जाता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट।
ये सभी इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग मोर हमारी वेबसाइट पर गिवन है, उसका लिंक हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाकर KVPY के बारे में और पढ़ सकते हैं। फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Thanks for watching. You can now access all of our videos from class 9th to 12th on our app. Download it now through link given in the description.